हेलो, मैं अंकुर और मुझे मिलान में रहते हुए 2.5 साल हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए जिसमें मैं लोगों को बता पाऊँ कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके क्या प्रोसेस हैं, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे आके फेस किया है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, ऑप्शंस हैं और आप कैसे गाड़ी चला सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी मेरी कंपनी ने कंपनी कार का ऑफ़र किया, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फिर मैं वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकता वो ऑप्शन। आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो टूरिस्ट के लिए अलाउड है कि आप कार चला सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा आपको 3 महीने का मिलता है, उसमें आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे कार चलाना अलाउड है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप वर्क परमिट पे आते हो तो आप 1 साल के लिए, आपको अलाउ करती है टैलिन गवर्नमेंट कि आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ ड्राइव नहीं कर सकते। तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप जब आ रहे हो तो आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तो कैरी कर ही रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा के लेके आ सकते हो, जो दिल्ली में या कहीं पर आप जाते हो और वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो लाइसेंस आपका वैलिड नहीं रहता 1 साल के बाद, अगर आप वर्क परमिट पे हो, लॉन्ग टर्म रुक रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म रुक रहे हो तो ऑप्शन सिर्फ एक यही है आपके पास कि आप यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करो। जिसको लेने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे करना है, क्योंकि मैंने अपना जो ये ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट किया था पिछले साल मई में, और अब जाके इस मई तक मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए, क्या क्या किया, कैसे किया, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, शायद उससे आपको कोई हेल्प मिले, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस ब्लॉग में, तो वही आपको शायद काम आए। यूजुअली लोगों को ये प्रोसेस फॉलो करने में और लाइसेंस लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 9 महीने लगते हैं, इससे ज़्यादा किसी को भी नहीं लगता। मुझे इतना ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि बीच में कोविड रूल्स आ गए, लॉकडाउन लग गया, रेड जोन हो गया और बहुत सारे स्कूल बंद हो गए और सब कुछ बंद हो गया। मैं इंडिया भी गया बीच में, तो वो 1-2 महीने मेरे वो भी चले गए, तो इस वजह से मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो वो प्रोसेस इतना लेंदी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे कार का इतना कोई ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अच्छा है और आपको जो है कैब्स के ऑप्शन है, साइकिलिंग लोग करते हैं, ट्राम्स हैं, ट्रेन है, सब कुछ है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको कार की ज़रूरत पड़ सकती है। वो कुछ केसेस हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ कार हो, और आपको अगर आपके पास कार है तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन होता है कि आप पूरे यूरोपियन यूनियन में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो अगर और आपके पास लाइसेंस है और आप कार से ट्रैवल करते हो तो आप बहुत पैसे बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ ट्रैवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इटली में मैं रहता हूँ, यहाँ से स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर लगा है, तो मैं अगर कार से जाऊंगा तो मैं पैसे बचा सकता हूँ, अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो मेरे को बहुत पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए भी कार, अगर आपको लाइसेंस मिलता है तो आपके लिए ऑप्शन अच्छा है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को हम लोग पतेंते बोलते हैं, तो पतेंते में आपको बेसिकली अगर आपको कार चलानी है तो आपको पतेंते बी करना पड़ता है, और पतेंते आ ऊनो आ दुए ये सारे बेसिक लाइसेंस है जहाँ से स्टार्ट होता है, जो लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, बच्चे अगर करना चाहें, क्योंकि वो सारे लाइसेंसेस हैं। आपको स्कूटी चलानी है, बाइक चलानी है, उन सब के लिए वो आ ऊनो आ दुए वो सारे लाइसेंसेस हैं, लेकिन आपको तो कार चलानी है अगर, तो सिर्फ आपको पतेंते बी पे फोकस करना है, और पतेंते बी ही लाइसेंस आपको लेना होगा अगर आप मतलब ट्रैवल करके इंडिया से आ रहे हो, यहाँ पे जॉब कर रहे हो और यहाँ पे रहना चाहते हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया था इस चीज़ को पढ़ना, क्योंकि मुझे बेसिकली पतेंते बी ही फॉलो करना था, मुझे पतेंते बी चाहिए क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी थी इस वजह से, तो जब मैंने स्टार्ट किया, सर्च किया गूगल पे, तब मुझे पता चला कि इसको पतेंते बोलते हैं। पहले यहाँ पे ऑप्शंस थे कि ये एग्ज़ाम इंग्लिश में भी होता था, जर्मन में भी होता था, फ्रेंच में भी होता था, लेकिन इन लोगों ने नए रूल्स के हिसाब से चेंजेस लाए और वो सारा बंद कर दिया। अब सिर्फ वो एग्ज़ाम इटालियन में होता है, तो जो इस एग्ज़ाम को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता है पास करने के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम इटालियन में होता है, 40 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको सिर्फ 4 ही गलतियाँ कर सकते हो आप, और वो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ आएगा। वो डिफ़िकल्टी लेवल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो इटालियन में है, आपको वो समझ नहीं आएगा, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और सोच के समझ के पढ़ना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से पढ़ाई करो। तो इसको करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप खुद से बैठ के पढ़ाई करो,
दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो उसको, तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी एक स्कूल में जाके रजिस्टर करो, और स्कूल में भी यहाँ पे वो इटालियन में ही सिखाएंगे। तो जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन में पतेंते के लिए आपको कई सारी वेबसाइट्स हैं जो इटालियन में ही है वेबसाइट, जो आपका गूगल ट्रांसलेटर उस पेज को ट्रांसलेट करता है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती हैं। बट क्या है कि वो आपको पढ़ाई करने के लिए अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो एग्ज़ाम इटालियन में ही होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उसके आंसर्स देने में। तो बेटर है कि आप उसको इटालियन में ही ट्राई करो आंसर करने का, जिससे कि आप गलती भी करोगे तो आपको समझ आएगा आप गलत कहाँ कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब वीडियोस देख के आप समझो और सीखो। फिर उसके बाद अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप फिर एक स्कूल ज्वाइन करो। स्कूल ज्वाइन करोगे तो स्कूल वाले को आप जो फीस दोगे वो आपको एक बुक देगा, और पर डे के एक एक घंटे के लेक्चर्स होते हैं वो, लेकिन इटालियन में होते हैं, तो उसके लिए आपको इटालियन सीखनी पड़ेगी, वो और भी मुश्किल चीज़ है। जब आप किताब से पढ़ना शुरू करोगे, लेकिन उसमें भी किताब आपकी इटालियन में ही है, तो इसलिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको इटालियन या तो आप पहले सीखो तब उसके बाद अप्लाई करो। मेरे को इटालियन नहीं आती है, 2 साल हो गए मैं इटालियन समझ पाता हूँ पढ़ पाता हूँ, लेकिन मैंने एग्ज़ाम पास किया है सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करके। तो मैंने फॉलो किया था, वो पंजाबी में सिखाते हैं, मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी समझ आती है, मेरी वाइफ को नहीं आती, तो वो अगर उसको पढ़ना चाहेगी तो उसको नहीं समझ आएगा कुछ भी। तो प्रॉब्लम वहीं पे ये भी आएगी कि आपको या तो पंजाबी आती हो या आपको इटालियन आती हो, तभी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा आप एक बार ट्राई करोगे तो शायद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बेसिकली क्या है कि आपको वो सेंटेंसेस को ये समझना है कि वो सेंटेंस बोल क्या रहा है। अगर आपको बस उतना समझ में आने लग जाएगा, थोड़े दिन आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी, आप खुद ही इटालियन समझने लगोगे कि वो कहना क्या चाहता है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको इनिशियल वीडियोज़ या इनिशियल लर्निंग की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, जैसे एक रिटन होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि इंडिया में भी होता है, सेम ही प्रोसेस है। बट क्या है कि यहाँ का रिटन इटालियन में होता है जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, दूसरा आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको ड्राइव करके दिखाना होता है। तो अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हो, एजेंसी मतलब जैसे स्कूल होते हैं यहाँ पे, ड्राइविंग स्कूल के थ्रू आप जाते हो तो आप उनको फीस देते हो, तो वो आपको हेल्प करते हैं सारे प्रोसेस में, पढ़ाते भी हैं और फिर आपको एग्ज़ाम के लिए भी ले जाते हैं। वो सारा प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना, वो लोग खुद करके देते हैं, तो उसमें आपको एक आसानी होती है एग्ज़ाम देने जाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। दूसरा प्रॉफिट ये होता है कि आपको वही स्कूल वाले आपका, क्योंकि 6 घंटे का ड्राइविंग मैंडेटरी होता है, आप जब लर्निंग एग्जाम पास कर लेते हो तो फिर आप 6 घंटे जब वो ड्राइविंग करोगे तो आप उसी स्कूल वाले से करोगे, फिर वो आपको जो है ड्राइविंग एग्जाम के लिए भी ले जाएगा, फिर आप अपना ड्राइविंग एग्जाम भी पास कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप खुद से ही सारी तैयारी करते हो तो सिर्फ आपको आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से भी एग्जाम देने जा सकते हो, और सिर्फ ड्राइविंग के लिए आपको उस स्कूल वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जब वो आपको ड्राइविंग एग्जाम के लिए अपनी कार देगा उसका आपको कुछ चार्जेस लेगा वो, और फिर वो आपका ड्राइविंग एग्जाम करवा देगा। एक बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ड्राइविंग एग्जाम का मतलब, जो मैं प्रैक्टिकल ड्राइविंग एग्जाम की बात कर रहा था, वो देने के लिए आपको एक कार की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको स्कूल वाले ही प्रोवाइड करेंगे, जो वो थोड़ा चार्ज लेते हैं और वो आपको करवाते हैं। रिटन एग्जाम के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो और खुद से भी देने जा सकते हो। जब आप वो एग्जाम पास कर लेते हो तब फिर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो किसी भी एक स्कूल से। जब आप अपना ड्राइविंग एग्जाम पास करते हो तो आपको वो लोग एक पिंक स्लिप देते हैं, जिसको आप लर्निंग लाइसेंस भी बोल सकते हो, तो उसको फोलियो दी रोसा बोलते हैं। वो आपको जब मिल जाता है तो उसके थ्रू आप या तो किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके ड्राइविंग अपने प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर कोई सिखाने वाला है, दोस्त है या फैमिली मेम्बर है, तो वो एक साइन बोर्ड लगा के आप उसके साथ भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, वो ऑप्शन भी होता है। इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं है जिसके थ्रू जिसके साथ मैं सीख पाऊँ, इसलिए मुझे ड्राइविंग स्कूल की ज़रूरत पड़ी थी। अगर आपको इन सारे प्रोसेस को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है या जो मैंने बात बोली उसमें आपको लगता है या कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको आंसर करने के लिए अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं इसी तरीके से कई कई व्लॉग्स बनाऊंगा जिसमें सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे और क्या होता है क्या करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।